चुप रहना और दिलों में बातें छुपा कर रखने से बातें बोझ बन जाती हैं। चुप रहना और दिलों में बातें छुपा कर रखने से बातें बोझ बन जाती हैं। अगर तुम जवाब देना नहीं जानते और बोलना नहीं सीखोगे तो हर बार लोगों से दबते जाओगे। इससे लोगों को कुछ असर नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ आप अपना दिल दुखा रहे हो। दिल आपका दुखेगा और आप ही रोलोगे। जिंदगी की पहली गुरु माँ, जिंदगी की पहली दोस्त भी माँ और जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। पति हमेशा अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम मेरे घर वालों के हिसाब से रहो, उनको अच्छा लगेगा। मेरी बहन की बात का बुरा मत मानो, मेरी बहन को अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों को खुश रखना, मुझे अच्छा लगेगा। तो पति अपने घर वालों को क्यों नहीं बोलता कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो, मेरी पत्नी को अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों समाज को विवाहित लड़कियों का अपने मायके में रहना इतना क्यों खटकता है कि अगर विवाहित लड़की मायके में 4 दिन से ज्यादा रह ले, अगर विवाहित लड़की 4 दिन से ज्यादा अपने मायके में रह ले तो पड़ोसी पूछने आ जाते हैं, पड़ोसी पूछने आ जाते हैं कि ससुराल में सब ठीक है, क्या ससुराल में सब ठीक है, आए नहीं दामाद जी लेने, सब ठीक तो है ना। उन्हें बहुत चिंता होने लगती है। पता नहीं क्यों समाज को विवाहित लड़कियों का अपने मायके में रहना इतना क्यों खटकता है। शादी के बाद का पहला दिन इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, बल्कि शादी के बाद बनाया हलवा आपकी काबिलियत को तय करेंगे। कितनी जल्दी सुबह उठती हूँ, गुड़ उससे तय किए जाएंगे। कम हंसना बोलना चुप रहना व्यवहार तय करेंगे। सबको इज्जत देने से नहीं, सबके बाद खाने से संस्कार तय होंगे, आपकी डिग्री से नहीं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। पत्नी पति की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर खुश करने में लगी रहती है, लेकिन पति को पत्नी की सालगिरह तक याद नहीं रख पाता। पत्नी कभी गुलाम नहीं होती, वो तो पति को ईश्वर मानती है और ईश्वर की गुलामी नहीं की जाती है, ईश्वर की गुलामी नहीं की जाती है, उनकी सेवा की जाती है।